अस्सलाम वालेकुम स्कॉलर्स, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं जियाउर रहमान को यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज हमारा 10th लेक्चर है। आज का हमारा टॉपिक है रिसर्च पैराडाइम्स वर्सेस रिसर्च अजम्पशंस, के रिसर्च की जो अप्रोचेज हैं उसमें और रिसर्च के जो मफरूजे हैं, जो उसकी अजम्पशंस हैं, उसमें क्या फ़र्क है। रिसर्च पैराडाइम को हम कहते हैं नमूना या फलसफाए कायनात का नज़ारा, वर्ल्ड व्यू, फिलोसॉफिकल वर्ल्ड व्यू, फलसफाए कायनात का नज़ारा। इसी तरह फिलोसॉफिकल अजम्पशंस को हम कहते हैं फलसफियाती मफरूजे। ये चार हैं। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर की अगर हम देखें, लेक्चर नंबर 10 की, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको ये बताया था कि ओंटोलॉजी, एपिस्टमोलॉजी, मेथोडोलॉजी और एक्सियोलॉजी, ये चार टाइप्स हैं, ये चार बुनियादी जुज्व हैं फिलोसॉफिकल अजम्पशंस के, मैंडेटरी जुज्व हैं। ओंटोलॉजी इज अबाउट नेचर ऑफ रियलिटी, एपिस्टमोलॉजी अबाउट हाउ वी कम टू नो अबाउट द रियलिटी, एंड मेथोडोलॉजी इज अबाउट हाउ रिसर्चर कैन रिपोर्ट और एक्सेस टू द रियलिटी, एंड एक्सियोलॉजी इज व्हाट रिसर्च एथिक्स एंड रूल्स ए रिसर्चर नीड टू फॉलो थ्रू आउट द रिसर्च। उससे प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको ये बताया था कि व्हाट इज पैराडाइम और फिलोसॉफिकल वर्ल्ड व्यू। हमने इसमें आपसे ऐसी बात की थी कि व्हेन रिसर्चर्स टॉक अबाउट डिफरेंट अप्रोचेस टू द रिसर्च, हमने आपको एक मिसाल दी थी लेक्चर नंबर 8 को अगर आप देखें, कि अगर किसी एक काम को करने के अप्रोचेस एक से ज्यादा हों, अगर किसी एक काम को करने के अप्रोचेस एक से ज्यादा हों, और हर हर अप्रोच के अपने गिवन रूल्स और अपने पैरामीटर्स हों करने के, तो हर वो अप्रोच उस काम को करने की पैराडाइम कहलाती है। जिस तरह हमने ये कहा था, इजी लाइफ एग्जांपल से आपको ये बात की थी कि अगर कोई शख्स इस्लामाबाद से लाहौर जाना चाहता है, तो उसके पास एक से ज्यादा अप्रोचेज हैं। वो बाय एयर भी जा सकता है, वो बाय रोड भी जा सकता है, वो रोड में भी उसके पास दो ऑप्शंस हैं, जीटी रोड है, मोटरवे है, वो बाय ट्रेन भी जा सकता है। तो हर एक अप्रोच उसकी पैराडाइम है। तो ए पैराडाइम इज ए वर्ल्ड व्यू और ए सेट ऑफ अजम्पशंस अबाउट द वे टू कंडक्ट द रिसर्च। अगर हम इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन को देखें रिसर्च पैराडाइम की, इन फिलोसफी ए पैराडाइम इज ए डिस्टिंक्ट सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स और थॉट पैटर्न्स इंक्लूडिंग थ्योरीज, रिसर्च मेथड्स, पोस्टुलेट्स एंड स्टैंडर्ड्स फॉर व्हाट कंट्रीब्यूशंस टू ए फील्ड और बॉडी ऑफ नॉलेज, कि बॉडी ऑफ नॉलेज में ऐड करने के लिए, या रियलिटी को फाइंड करने के लिए, या ट्रुथ कहने के लिए, हम जिन कॉन्सेप्ट्स को या थॉट पैटर्न्स को या थ्योरीज को या रिसर्च मेथड्स को या स्टैंडर्ड्स को हम फॉलो करते हैं, वो रिसर्च पैराडाइम है। इट इज एक्चुअली ए शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रियलिटी। अब हम आते हैं इनके डिफरेंस की तरफ। देखें, ये दोनों डिफरेंस, इनमें हम इस तरह से आपको बयान नहीं कर रहे कि ये दोनों कोई मुख्तलिफ चीजें हैं, और इन दोनों के मुख्तलिफ, एक दूसरे से मुख्तलिफ होने में हम आपको कोई डिफरेंस समझाएं। बेसिकली ये दोनों एक दूसरे के पार्ट हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन दोनों को आप एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते। वो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि रिसर्च पैराडाइम जो है वो एक अप्रोच है, और रिसर्च अजम्पशन जो है वो उस अप्रोच को, हर अप्रोच में वो अप्रोचेस, क्योंकि पैराडाइम में एक से ज्यादा है, तो हर अप्रोच में उस अप्रोच को फॉलो करने के अजम्पशंस हैं। वो अजम्पशंस आपको उस अप्रोच में फॉलो करने हैं। तो रिसर्च पैराडाइम के हवाले से हम ये कहते हैं कि देर आर डिफरेंट अप्रोचेस टू कंडक्ट द रिसर्च, और रिसर्च और फिलोसॉफिकल अजम्पशन भी हम कहते हैं, इट इज एक्चुअली ए फ्रेमवर्क टू कंडक्ट द रिसर्च अंडर ईच रिसर्च अप्रोच और पैराडाइम और वर्ल्ड व्यू। हर एक पैराडाइम, हर एक अप्रोच के नीचे हमें फिलोसॉफिकल अजम्पशंस को मीट करना है, उसको फॉलो करना है, उसकी नेचर को समझ के उस पैराडाइम पे हमने चलना है। अगर हम अजम्पशंस की नेचर को नहीं समझ सकते, तो हम पैराडाइम के ऊपर नहीं चल सकते।
अगर हमें पैराडाइम को चलना है तो हमें अजम्पशंस को समझने की कोशिश करनी है कि अजम्पशंस क्या हैं। पैराडाइम जो है वो चार टाइप्स की हैं, चार अप्रोचेज हैं रिसर्च को कंडक्ट करने में, लेकिन ये जो अप्रोचेज हैं ये वक्त के साथ साथ चेंज होती गई या इनकी इनके ऑर्डर में चेंज आता गया। किसी की शिद्दत किसी वक्त बहुत ज्यादा पीक पर थी और किसी अप्रोच की शिद्दत किसी वक्त बहुत ज्यादा किसी और वक्त में बहुत ज्यादा स्लो हो गई, किसी और पीक पे चली गई, लो टेंडेंसी पे चली गई। तो ये जो चार इसकी अप्रोचेज हैं वो पॉजिटिविज्म या पोस्ट पॉजिटिविज्म, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, पार्टिसिपेटरी और प्रैग्मेटिज्म। जबकि इसके बरक्स रिसर्च फिलोसॉफिकल अजम्पशंस की भी चार चार मैंडेटरी कंपोनेंट्स हैं। इसमें ये ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, मेथोडोलॉजी और एक्सियोलॉजी है। यहां एक ये बात फर्क समझने का है कि रिसर्च पैराडाइम में आपको किसी एक वक्त में एक पैराडाइम को फॉलो करना है। आप एक से ज्यादा पैराडाइम्स किसी एक रिसर्च में या रियलिटी को फाउंड करने में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको एक स्कूल ऑफ थॉट या एक प्रिंसिपल के तहत चलते हुए रियलिटी को डिटरमिन करना है और रियलिटी को रियलिटी साबित करवाना है। लेकिन हर अप्रोच को यूज करने में आप तमाम की तमाम चार जो कंपोनेंट्स हैं, जो फिलोसॉफिकल अजम्पशंस के जो कंपोनेंट्स हैं, उन चारों को आपने वहां अप्लाई करना है हर एक अप्रोच में। अब यहां ये बात समझ में आ रही है कि हर अप्रोच में बेसिकली ओंटोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, मेथोडोलॉजी और एक्सियोलॉजी बिल्ट इन है। अब वहां उस अप्रोच में आपने इनकी नेचर को समझना है कि इस अप्रोच में रियलिटी कहाँ है, कैसे मैं इस अप्रोच में रियलिटी फाइंड करूंगा, कैसे किस मेथोडोलॉजी को अप्लाई करूंगा। अगर हम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को देखें कि रिसर्च पैराडाइम की जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जिनकी बेस पर कोई एक अप्रोच अप्रोच कहलाती है या पैराडाइम कहलाती है कि इस तरह से रिसर्च करें, तो उसमें हमें यह देखना होता है कि हाउ मैनी रियलिटीज के कितने ट्रुथ हैं या ट्रुथ को कितनी तरह से बयान किया जा सकता है। आइदर रियलिटी एग्जिस्ट प्रियोर टू आवर नॉलेज और आफ्टर आवर नॉलेज। इसी तरह आइदर रिसर्चर इज ए मेन इंस्ट्रूमेंट इन रिसर्च और अदरवाइज, या उसका उस रिसर्च से कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो सिर्फ रियलिटी को रिपोर्ट करने की हैसियत रखता है, उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है उस रिसर्च को करने में। उसके बाद आइदर देयर इज ए इश्यू ऑफ रिफ्लेक्सिविटी, बाइसनेस, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। जब आप इन चार से पांच फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को समझ जाएंगे कि हर पैराडाइम में ये फंडामेंटल प्रिंसिपल किसी किसी और तरह से हैं, किसी दूसरी में किसी और तरह से हैं। अगर आप दो पैराडाइम्स को समझ लें, पॉजिटिविज्म और सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, तो ये दोनों एक दूसरे की पीक में मेथोडोलॉजी के हवाले से या रिसर्च को कंडक्ट करने के हवाले से एक दूसरे की मुखालिफ अप्रोचेज हैं। जिस तरह हम क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव अप्रोच की बात करते हैं, तो ये इनमें भी पॉजिटिविज्म एक क्वांटिटेटिव टेक्निक है और सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म एक क्वालिटेटिव टेक्निक है। इसके अलावा बाकी जितनी अजम्पशंस हैं उन्होंने कोई कुछ ना कुछ ऐसी लॉजिक क्रिएट करके अपने आप को मिक्स किया कि ये काम क्वालिटेटिव के तहत भी हो सकता है या क्वांटिटेटिव के तहत भी हो सकता है। लेकिन पॉजिटिविज्म और सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म अपनी पीक पे शिद्दत के साथ एक दूसरे की मुखालिफ सिमत में खड़े हैं, आज भी मौजूद हैं। इन स्कूल ऑफ थॉट्स में अभी तक कोई नरमी नहीं आई। बाकी जितनी अप्रोचेज हैं उन्होंने अपनी शिद्दत में कुछ नरमी पैदा की और रिसर्च को कंडक्ट करने के हवाले से क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव तरीकों को किसी ना किसी लॉजिक के तहत इकट्ठा करके करने की कोशिश की। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को जब हम जेन में रखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि किसी एक एक अप्रोच में, एक पैराडाइम में हो सकता है कि रियलिटीज एक से ज्यादा शक्ल में सामने आए, पर्सन टू पर्सन वेरी करती हों, या रियलिटी आइदर रियलिटी एग्जिस्ट प्रियोर टू आवर अंडरस्टैंडिंग। क्या हम उस दरख्त केले के दरख्त को जो हमें आज मुशाहिदा करके पता चला कि ये केले का दरख्त है, क्या वो हम ये कहेंगे कि आज ये रियलिटी क्रिएट हुई है या ये रियलिटी हमारी अंडरस्टैंडिंग से पहले एग्जिस्ट करती थी।
इसी तरह रिसर्चर के हवाले से है, हमने ये कहा है कि रिसर्चर अगर उस रिसर्च का मैंडेटरी पार्ट है, रिसर्चर ही उस रिसर्च का इंस्ट्रूमेंट है या उस रिसर्च का स्केल है रिसर्च करने का, तो वो एक एक खास पैराडाइम से ताल्लुक रखती है ये वाली ये प्रिंसिपल। और अगर हम ये कहें कि रिसर्चर इसका पार्ट नहीं है, रिसर्चर तो इस एज ए इंडिपेंडेंट पर्सन, एज ए आउटसाइडर, इस फाइंडिंग को या इस ट्रुथ को हमारे सामने सिर्फ एज ए इंडिपेंडेंट पर्सन पेश कर सकता है, उसकी कोई हैसियत नहीं रिसर्च के ऊपर असरअंदाज होने की या इन्फ्लुएंस करने की। तो ये एक खास किस्म की पैराडाइम है। इसी तरह अगर आपको अपनी रिसर्च की अथेंटिसिटी को मजीद बेहतर तरीके से इंश्योर करना है, तो आपको उसकी रिफ्लेक्सिविटी और बाइसनेस, ये दो चीजें एक खास किस्म की पैराडाइम में रिक्वायर हैं, जबकि वैलिडिटी और रिलायबिलिटी दूसरी तरफ की एक और खास किस्म की पैराडाइम में रिक्वायर है। लेकिन ये याद रखिएगा कि इन तमाम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में आपकी जो फिलोसॉफिकल अजम्पशंस हैं उनके प्रिंसिपल्स चार के चार सेम रहते हैं कि वट इज आवर अजम्पशंस अबाउट नेचर ऑफ रियालिटी, हाउ द रिसर्चर्स केम टू नो दैट रियालिटी, हाउ रिसर्चर एक्सेस एंड रिपोर्ट दैट रियालिटी, वट आर रिसर्च एथिक्स। तो गाइज ये था आज का हमारा लेक्चर। हमने कोशिश की है कि आपको एक बेहतर अंदाज में एक इजी लाइफ एग्जाम्पल के साथ आपको ये डिफरेंस समझाया जाए। बेसिकली ये डिफरेंस हम पहले भी बयान कर चुके हैं कि डिफरेंस ऐसा डिफरेंस नहीं है कि ये दोनों एक दूसरे की कोई मुखालिफ चीजें हैं और इनका डिफरेंस है, ये एक एक चीज के अंदर एक चीज बिल्ट इन है। लेकिन उन वो कैसे बिल्ट इन है, इस फर्क को हमने आपको समझाया है कि कैसे कोई चीज रिसर्च पैराडाइम है, और उस पैराडाइम के अंदर अगर आप किसी एक खास अप्रोच को यूज कर रहे हैं, तो आप कि उस अप्रोच में रिसर्च फिलोसॉफिकल अजम्पशंस क्या क्या हो सकती हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको ये जो अभी हमने आपको ऊपर कुछ चार किस्म की रिसर्च पैराडाइम्स बताई हैं, ये वक्त के साथ साथ बेसिकली चेंज होती गई, ये लेकिन ये चार ही रही। कभी किसी को का ऑर्डर चेंज हो गया, और कभी कोई किसी ने न्यू एम्पिरिसिज्म या क्रिटिकल थ्योरी, ये चेंज होती गई। हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में इन पैराडाइम के हवाले से डिटेल में बताएंगे कि क्या फिलोसॉफिकल वर्ल्ड व्यूज आज तक बड़े रिसर्चर्स ने या वेल नोन स्कॉलर्स ने दुनिया के सामने रखे हैं रिसर्च को करने में। तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट्स के ऑप्शन को लाजमी इस्तेमाल करें। अगर आपको कमेंट्स में कुछ चीज़ या इंफॉर्मेशन चाहिए, कमेंट्स आ रहे हैं, हम उनको रिप्लाई कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि हमने कमेंट्स का अपना ऑप्शन बहुत एक्टिव रखा हुआ है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।